अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें बाजार मूल्य पर खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप के सीधे व्हाट्सएप से करें संपर्क, सामान का लिस्ट या फोटो खींचकर भेजें, कराएं बुकिंग। संपर्क करें 8340371787 7325052437। जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में जीडीपी की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ए 5.7%, बी 6.7%, सी 7.7% या डी 8.7%। ध्यान दें, वैसे प्रतिभागी जिन्होंने दिसंबर माह में प्रतियोगिता में भाग लिया था, वे अपना स्क्रीनशॉट 97098-94194 पर भेजकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। रजिस्ट्रेशन के पश्चात आपको बुलाकर उपहार प्रदान किया जाएगा। साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे जीएस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन तुरंत। भागलपुर जिले में कोरोना वैक्सीन बहुत जल्द आएगी, इसको लेकर तैयारी तेज हो गई और सदर अस्पताल में ड्राई रन किया जा रहा है। बताते चलें कि ड्राई रन में सब कुछ वैक्सीन लगने जैसा ही होता है, बस नहीं होता है तो वैक्सीन। इसके मॉक ड्रिल की जा रही है, जिले के तमाम लोगों की नज़र वैक्सीन पर है। ऐसे में जब वैक्सीन स्वास्थ्य विभाग को मिलेगा तब कोई परेशानी का सामना न करना पड़े, इसलिए ड्राई रन किया जा रहा है। वहीं इसका जायजा लेने जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन सदर अस्पताल पहुंचे, जहां सिविल सर्जन विजय कुमार सिंह की मौजूदगी में ड्राई रन का जायजा लिया गया। साथ ही वैक्सीन केंद्र का निरीक्षण कर कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि वैक्सीन को लेकर ड्राई रन किया जा रहा है, वैक्सीनेशन के लिए स्वास्थ्य विभाग भागलपुर पूरी तरह से तैयार है। नवगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहां शादी विवाह मनाने का है संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन, नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध है एसी ननेसी कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, डीजे फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817 7992499821। भागलपुर के जगदीशपुर पुलिस ने 59 कार्टून विदेशी शराब के साथ गाड़ी को किया जब्त। भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सनोला मोड़ चेक पोस्ट के पास जगदीशपुर पुलिस ने शराब की भारी खेप बरामद किया है। वहीं थाना अध्यक्ष ब्रजेश कुमार ने बताया कि जगदीशपुर पुलिस को वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर के द्वारा गुप्त सूचना मिली कि झारखंड होते हुए जगदीशपुर पथ से अवैध विदेशी शराब की बड़ी खेप गुजरने वाली है। जगदीशपुर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रशिक्षु सब इंस्पेक्टर के नेतृत्व में दलबल के साथ सनोला मोड़ पर पहुंची और अपने काम में जुट गई। इसी क्रम में टाटा मैजिक गाड़ी जो रुई से लदा हुआ था तलाशी ली गई, तो भूसे के अंदर में छिपा कर ले जा रहे 59 कार्टून शराब जिसमें 1416 बोतल और 531 लीटर शराब बरामद की गई है। वहीं वाहन चालक चकमा देकर भागने में सफल रहा। आपको बताते चलें कि शायद ही कोई सप्ताह रहता होगा जब शराब बरामद ना होते हों, लेकिन इसके बावजूद शराब माफिया शराब ले जाने आने से बाज नहीं आ रहे हैं। भागलपुर बम विस्फोट में 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। भागलपुर के ततारपुर थाना क्षेत्र के काजवली चक आइसक्रीम फैक्ट्री के पास दिन दहाड़े हुए बम विस्फोट की घटना में 2 व्यक्ति घायल हो गए हैं। घायलों में रिक्शा चालक अवधेश कुमार और पास के दुकान में काम करने वाले दीपक कुमार बम के छींटे से घायल हो गए। दोनों घायलों को स्थानीय लोगों ने पुलिस की सहायता से इलाज के लिए भागलपुर के सदर अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं घनी आबादी वाले क्षेत्र में बम विस्फोट होने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि घटना की सूचना मिलते ही ततारपुर थाने की पुलिस और सिटी एएसपी पूरन झा घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की छानबीन में जुट गए हैं। वहीं सिटी एएसपी ने बताया कि फॉरेंसिक टीम के द्वारा जांच कराई जाएगी और पुलिस बमबाजी कांड में शामिल अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित करेगी। साथ ही सिटी एएसपी ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाने की भी बात कही है।
सुंदरम अहुना मटन बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉन वेज टेस्ट अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में। हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन नवगछिया स्टेशन चौक राजेंद्र कॉलोनी मोड़ नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारे। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। बोले जदयू विधायक गोपाल मंडल, आखिरी सांस तक नीतीश कुमार के साथ हूँ। जदयू विधायक गोपाल मंडल ने कहा कि मीडिया में मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। मैंने कहा था कि जिस समय राजद को बड़ा दिखाया जा रहा था, उनके समर्थक राइफल बंदूक निकालकर फिर से वर्चस्व और गुंडागर्दी के बारे में सोच रहे थे, किंतु बिहार की जनता ने एनडीए को जनादेश दिया है। अभी भी राजद के समर्थकों को लगता है कि 6 महीने में नीतीश कुमार हटेंगे और तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी। मेरे इसी बयान को मीडिया में तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है और मेरी छवि को खराब करने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सभी वर्ग को साथ लेकर चल रहे हैं। राजद के लोग भ्रम फैला रहे हैं, किंतु हम लोग टूटने वाले नहीं हैं। तेजस्वी यादव अनुभवहीन नेता हैं और अभी बिहार का नेतृत्व करने के काबिल नहीं हैं। उन्होंने कहा कि मैं नीतीश कुमार का सिपाही हूं और आखिरी सांस तक नीतीश कुमार के साथ हूं। बिल्कुल नहीं बने। गोपाल जी, आपने एक दावा किया है कि 6 महीने के अंदर नीतीश कुमार की सरकार गिर जाएगी, नीतीश कुमार हटेंगे और तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे, कितनी हकीकत है? ऐसा दावा नहीं किया, बोलने का मनसा जो मैंने बोला है कोई क्लिक करके कुछ गड़बड़ी करके वायरल कर दिया, मेरे ऊपर चारों तरफ से लोग लगे हुए हैं। मैं ये बोला था आदरणीय मुख्यमंत्री, ये हम बोले थे कि भाई जब बढ़त चल रहा था आरजेडी का, उस टाइम में सारे आरजेडी समर्थक राइफल बंदूक पुराना नया चोर का वायरल साफ करके निकल, हम फायरिंग करेंगे फायरिंग, लेकिन वैसा हुआ नहीं। आदरणीय मुख्यमंत्री का बढ़त हो गया और इनकी सरकार बन गई। तो अभी भी उन लोगों का सोच है कि 6 महीने के बाद ये हट जाएंगे, तेजस्वी आ जाएंगे। कोई ऐसा बात नहीं, कभी आने वाले नहीं है। और वैसे कम उम्र बच्चे को बिहार का राजा कैसे बना सकता है? बिल्कुल नहीं बनेगा, इसमें किंतु परंतु नहीं है, ऐसा बयान है। और हमारे स्वजाति को, अति पिछड़ा को, दो आदमी को मार दिया और लाठी डांग चला ही रहा है और मुख्यमंत्री को हिला नहीं सकता। उनके साथ हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री सब जातियों को जोड़ के चलते हैं, सब वर्गों को लेके चलते हैं। उसी स्टाइल में मैं भी सबको लेके चलता हूँ। सभी वर्गों ने हमको वोट दिया, अब हम MLA हो गए, जो भी मेरे खिलाफ चुनाव लड़ रहा है, अनुशंसा की जरूरत होगा कौन करेगा? हम ही नरेंद्र को उर्फ गोपाले मंडल ना। इसलिए कहीं किंतु परंतु हम लोग सीधे मुख्यमंत्री से बुरे दिन से जुड़े हुए हैं और जब तक उनका जिंदगी रहे उनके साथ जुड़े रहेंगे, कहीं कोई ऐसा मन भरम पैदा नहीं। एक और RJD और कांग्रेस का दावा है कि वो विधायकों के संपर्क में है और JDU के विधायक उनके संपर्क में हैं और कभी भी टूट हो सकती है। आप विधायक हैं खुद भी और लोगों के बीच में भी अपने साथियों के बीच में रहते हैं, किसी ने आपके विधायकों को संपर्क किया है? ना, या कांग्रेस? अरे वो लोग टूटने के लिए तैयार है, कांग्रेस के विधायक खुद टूटने के लिए और लोग टूटने के लिए तैयार, JDU का लोग तो हम लोग खुद तोड़ के लाए, हम टूटने वाले नहीं हैं। कभी हमारा दल के विधायक तोड़ ही नहीं सकते हैं। और एक ही बात मैं कहना चाहता हूँ, ये इतना कम उम्र के बच्चे को कैसे बिहार का बादशाह बना देगा? ये सारे पब्लिक और पुराने अंदाज में 15 साल पहले देखिए बिहार की स्थिति क्या थी, कोहराम मच रहा था। आदरणीय मुख्यमंत्री ने बिहार को सजाने का काम, उजरे बिहार को सजाया। इसलिए कहीं किंतु परंतु 5 साल जम के चलेगी नीतीश कुमार जी, हम लोग उनके साथ हैं हर मनोबल ऊंचा करते हुए, इसलिए कहीं किंतु परंतु। बहुत बहुत धन्यवाद। कोसी दियारा का कुख्यात अपराधी समनम यादव को STF ने 2 गुर्गों व भारी मात्रा में हथियार के साथ दबोचा। पुलिस जिला नौगछिया में दियारा का आतंक और 25,000 के नामी अपराधी समनम यादव को उसके 2 सहयोगियों और बड़ी मात्रा में हथियार के साथ STF और नौगछिया पुलिस के संयुक्त कार्रवाई में धर दबोचा गया। नौगछिया के SP सुशांत कुमार सरोज ने बताया कि लंबे समय से फरार चल रहे कुख्यात समनम यादव ने अपने गुर्गों के साथ बिहपुर के गरैया दियारा में छुपे होने की सूचना मिली, जिसके बाद STF और स्थानीय पुलिस के सहयोग से पूरे दियारा क्षेत्र की घेराबंदी कर कुख्यात को धर दबोचा गया। उन्होंने बताया कि इस दौरान उसके 2 सहयोगी अपराधी वकील यादव और सरवन यादव को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। SP ने बताया कि नारायणपुर के भवानीपुर का रहने वाला कुख्यात शबनम यादव की गिरफ्तारी के लिए राज्य सरकार ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। उसकी गिरफ्तारी के लिए STF और
जिला पुलिस काफी दिनों से नजर बनाए हुए था। अभिनम यादव को सर कैसे गिरफ्तार किया गया? जैसा कि आप जानते हैं नवसार पुलिस लगातार जो भी यहाँ कुख्यात अपराधी है उसके खिलाफ अभियान चला रखी है। उसी कड़ी में ये सूचना हमें मिली थी कि दियरा में शबनम यादव अपने गिरोह के साथ कोई योजना बना रहा है कांड करने के लिए। उसमें एसटीएफ की पुलिस भी शामिल थी, उन्हें भी आसूचना प्राप्त था। प्राप्त होते ही आसूचना एसडीपीओ नवछिया श्री दिलीप कुमार, इंस्पेक्टर बीपुर व अन्य थानाध्यक्ष और एसटीएफ साथ एक टीम का गठन किया गया। गठन करते ही रात में टीम यहाँ से मूव कर चुकी थी। रात भर उसके घर को कॉटन किया गया, सुबह में रेड किया गया। रेड करने क्रम में सर फायर भी किया गया। हमारे पदाधिकारी हमारी पुलिस टीम जवानों ने साहस का परिचय देते हुए बिना किसी क्षति का उन्हें गिरफ्तार करने में सफल हुए। गिरफ्तार करने में जो सक्रिय तीन अपराधी उनके साथ में थे, अन्य कोई और भी थे जिनका नाम पता हम पता कर रहे हैं, जो सक्रिय तीन थे वो भागने में सफल रहे और तीन गिरफ्तारियाँ की गई थी। साथ ही साथ चार विदेशी कट्टा बरामद हुआ है, 65 लाइव जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है और जो फायर किए थे हमारी पुलिस टीम पे 6 खाली खोखा भी बरामद किया गया है। इसके अलावा 20,100 रुपये बरामद किया गया, 5 मोबाइल बरामद किया गया। कितना दिनों से फरार चल रहा था सर? ये लगभग जो इन्होंने आज पूछताछ में बताया लगभग 10 साल से वो ये फरार चल रहे थे, कई कांडों में फरार थे, लेकिन नवसार पुलिस लगातार इस पर दबिश बनाए हुए थी। उसी कड़ी में ये गिरफ्तारी संभव हुई। किस दियारा क्षेत्र में सर कार्रवाई हुई है? ये भवानीपुर दियारा क्षेत्र कहते हैं, गंगा क्षेत्र थाना आपका ये है, नई थाना है, गरैया दियारा गरैया क्षेत्र। किस गिरोह से है सब? ये गिरोह का खुद सरगना है, सरगना है। पुलिस और शबनम के बीच में कितने राउंड की फायरिंग हुई है सर? दोनों की ओर से कई राउंड फायर हुआ है, दोनों राउंड पुलिस के तरफ हुआ है। वो रहता है जो हम बताएंगे ना, कई राउंड फायर उसमें हुआ है, खोखा का बरामद भी किया है। सर कोई इंजरी वगैरह? नहीं, कोई इंजरी इसमें किसी को नहीं हुआ है। आपराधिक इतिहास सर इसका क्या क्या? ये लगभग 1 दर्जन से अधिक कांडों में वांछित मतलब अपराधी रहे हैं। लगभग 7 कांडों में चार्जशीटेड है, बाकी 6 कांडों में फरार चल रहे थे। इसमें सभी कांडों में रिमांड किया जाएगा। शबनम जो है खासतौर से कोसी दियारा में किसानों की जमीन को कब्जे लिया करता था, कितना कब्जा किया? इसके अलावा केवल ये जमीन कब्जा ही नहीं, इसका मुख्य धंधा वहाँ पर था जो जानवर चलाने जाते थे उससे रंगदारी लेना, जो मछली का जलकर होता है उससे रंगदारी लेना, जिसका जमीन सपोज कीजिए जो कमजोर आदमी है खेती वहाँ नहीं कर पाता, मन माने दर पे उसे बटाई के लिए मजबूर करना। इस प्रकार पूछताछ से जब जानकारी मिले लगभग 125 एकड़ जमीन ये अपने कब्जे में रखा है जिसको ये जोतता है, और जो कमजोर किसान है जो जा नहीं पाते हैं उसे मनमाने दर पे बटाई फिक्स करता है। अपराध के दुनिया में कब से था ये सर? अपराध लगभग 2007 से इस दुनिया में है, और हम लोग पता भी कर रहे हैं कि अपराध के माध्यम से कितना संपत्ति बनाया है ताकि उसे जब्त कर अग्रतर कार्रवाई की जा सके। उन जमीनों का क्या सर जिन पे कि इनका कब्जा है, उस पे फसल बोया हुआ है, पर कैसे उस पे फसल काटा जाएगा आगे? देखिए अब वो पता करने की बात है, जो जमीन के मालिक है वो सामने आएंगे। ये हमारे पास कोई जानकारी नहीं है कि 125 एकड़ में जमीन किसका है। वो आदमी हमारे सामने आएंगे, वो सत्यापन करेंगे, जाँच करेंगे, तो कार्रवाई करेंगे। कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं इसको? आप खुद कह सकते हैं कि 25,000 का इनामी था, कितने दिनों से फरार चल रहा था? लगभग 10 साल से फरार चल रहा था और हम लोग उसको गिरफ्तार करने पहली बार गिरफ्तारी हुई कि पहले जेल नहीं, इसके पहले भी जेल जा चुके हैं, 2-3 कानून पहले भी जेल जा चुके हैं, उसके बाद से फरार चल रही है। शबनम यादव को सर पकड़ने में सबसे ज्यादा भूमिका किस थाने की रही है? नवगछिया पुलिस और एसटीएफ की भूमिका सामने, इसमें कोई एक व्यक्ति विशेष की भूमिका नहीं होती है, ये टीम वर्क होते हैं। नवगछिया पुलिस और एसटीएफ, उसके अलावा हमारे जो सीनियर्स हैं चाहे पुलिस मुख्यालय के चाहे हमारे डीआईजी सर का भी इसमें काफ़ी सहयोग रहा है। वो बार बार उम्मीदवारी ज्वाइन करने के साथ ही उनका निर्देश था कि 3-4 उन्होंने नाम बताया था, उसमें एक नाम ये भी था।
कोमल होटल स्टेशन चौक नवगछिया, नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था, मीट मुर्गा मछली अंडा सहित सादा भोजन रोटी चावल पनीर तड़का दही कोल्ड ड्रिंक ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। कोसी दियारा में आतंक का नाम था शबनम, किसानों की जमीन पर रखता था मालिकाना हक, किसान से वसूलता था लेवी, कलाई की मलाई, जलकर की मछली से होती थी काली कमाई, घुड़सवार गिरोह का है सरगना। शबनम उर्फ शबना कोसी दियारा का आतंक था जिसके नाम से किसान डरते थे। शबना घुड़सवार गिरोह का सरगना है और इसका कोसी दियारा में हुकूमत चलता है। करीब 500 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा है। इस जमीन से काला सोना कलाई उपजाकर अपनी हुकूमत चलाया करता था। जो किसान अपनी जमीन पर कब्जा करने जाता था उसे बेरंग वापस लौटना होता था, यानी कोसी से बाहर निकलने वाली जमीन पर केवल शबना का राज था। किसानों की खेत और जलकर की कमाई के अकूत संपत्ति जमा कर लिया था। पुलिस की दबिश बढ़ने पर इसने कोसी दियारा के बड़ी खाल गाँव में शरण लिया था, जहाँ इसने अपना एक छत्र राज कायम कर लिया था। कोसी दियारा में इसकी इतनी हुकूमत चलती थी कि इसके मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता था। कोई भी किसान या मछुआरा इसके आदेश मानने से इनकार नहीं कर सकता। किसानों की जमीन पर जबरन कब्जा कर उस पर फसल बुआई करता था। कलाई की फसल लगने के बाद उसे जो किसान घर ले जाता था उसे लेवी देना पड़ता था। शबना ने अपना सुरक्षित ठिकाना भी बड़ी खाल को बना लिया था। बड़ी खाल में रात्रि में यह रोज अपना सोने का ठिकाना बदलता रहता था। कहां सोएगा, कब किससे मिलेगा, यह किसी को भी पता नहीं था। बोले नवगछिया एसपी, अपराध पर रोकथाम के लिए पुनः गली मोहल्ले में होगा रात्रि में पहरा। अपराध पर काबू पाने के लिए पुनः पुलिस जिला नवगछिया में गली मोहल्ले में रात्रि में चौकीदारों व स्वयं सेवकों से पहरा की व्यवस्था की जाएगी। नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने बताया कि नवगछिया टाउन थाना क्षेत्र में इस व्यवस्था के तहत रात्रि में गली मोहल्ले में पहरा पुलिस द्वारा दिया जाएगा, जिसके परिणाम अच्छे भी दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि सभी थाना क्षेत्र में पुनः इस व्यवस्था को प्रारंभ करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस व्यवस्था में हर एक मोहल्ले से दो नागरिक व एक पुलिस के जवान या चौकीदार को लगाया जाएगा तथा हर एक टीम को एक एक सीटी व टॉर्च दिया जाएगा, ताकि रात्रि में पहरा देते समय सीटी बजाकर तथा टॉर्च जलाकर मोहल्लेवासी को सचेत रहने एवं अपराधियों के मन में भय उत्पन्न करेगा। गुहान 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 नवगछिया में पहली बार आधुनिक तकनीक से बना एक खूबसूरत कॉफी शॉप एवं रेस्टोरेंट गुहान, गौशाला रोड पोखर के सामने नवगछिया। वेज एवं नॉन वेज दोनों उपलब्ध है। ग्रैंड ओपनिंग 1 जनवरी 2021 से आपकी सेवा में। आइए, आपका स्वागत है। नवगछिया जीरो माइल में राजपा कार्यकर्ताओं ने फूका गोपाल मंडल का पुतला। नवगछिया के जीरो माइल में राजपा कार्यकर्ताओं ने गोपाल मंडल का पुतला फूंक डाला है। इस क्रम में कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी भी की। राजपा नेता संजीव कुमार सिंह उर्फ झाबो ने कहा कि पार्टी का आंदोलन लगातार जारी रहेगा, पार्टी इस आंदोलन को मुकाम तक ले जाएगी। इस अवसर पर सुजीत कश्यप, कन्हैया झा, शंभु चौधरी, हेमंत राय, लिपि सिंह, संजय गुप्ता, अशोक गुप्ता, बबलू चौधरी, दीनानाथ झा, सिपू सिंह, पिंकू चौधरी, मदारी राय, नंदू शाह, दरोगी शाह, उमेश शाह सहित कई अन्य उपस्थित थे। नवगछिया के मदरौनी में आयोजित मोतियाबिंद शिविर में 200 लोगों की हुई जांच, 80 रोगी मोतियाबिंद के मिले। नवगछिया के रंगरा चौक प्रखंड के मदरौनी गांव के पास NH 31 बजरंग मंदिर के पास श्री शिव शक्ति योग पीठ के तत्वाधान में स्वामी आगमानंद जी महाराज के निर्देशन में मोतियाबिंद शिविर का आयोजन किया गया। जानकारी मिली कि शिविर में कुल 200 लोगों के आंखों की जांच की गई, जिसमें 80 लोग मोतियाबिंद से पीड़ित मिले। निर्णय लिया गया है कि शुक्रवार को भागलपुर स्थित कौशल्या आई रिसर्च सेंटर में ऑपरेशन किया जाएगा। शिविर का उद्घाटन शिव शक्ति योग पीठ के परमानंद भारती माधवानंद जी, रंगरा PSC के प्रभारी डॉक्टर रंजन कुमार और मदरौनी के मुखिया अजीत कुमार सिंह उर्फ मुन्ना ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। वहीं शिविर में रोगियों के आंखों की जांच डॉक्टर VK मिश्र ने की। अब आपके शहर नवगछिया में कान्हा स्वीट्स एवं रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ स्वादिष्ट मिठाई जैसे काजू पान, काजू फ्रूट, काजू कतली, मोती पाक के अलावे एक से बढ़कर एक लजीज मिठाइयां उपलब्ध है। शुगर फ्री मिठाई के लिए संपर्क जरूर करें। साथ ही पनीर डोसा, पनीर पिज्जा के लिए जरूर पधारें। कान्हा स्वीट्स, प्रोफेसर कॉलोनी, नवगछिया।
संपर्क करें 9060127642 9308708313। नवगछिया के जहांगीरपुर बैसी गांव में लगी आग, 13 घर जलकर हुआ राख। रंगरा के जहांगीरपुर बैसी गांव में बिजली के शॉर्ट सर्किट से चिंगारी भड़कने से 13 घर जलकर पूरी तरह राख हो गया। अगलगी की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम करीब एक घंटे बाद मौके पर खराब मशीन को लेकर पहुंची। जब तक मशीन ठीक होता तब तक 13 घर पूरी तरह से जलकर राख हो गया। आग लगी में जहांगीरपुर बैसी के मोहम्मद फोदी, मोहम्मद बेचू, मोहम्मद मोताली, मोहम्मद कबीर, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद रहीस, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद नाजिर, मोहम्मद ओजीर, मोहम्मद अंसार, मोहम्मद साबिर, मोहम्मद एहसान, मोहम्मद मुस्ताफ और मोहम्मद कुदीस के घर पूरी तरह से जल गए हैं। अग्निकांड के पीड़ित परिवार के सदस्यों ने बताया कि आग सुबह 7 बजे से 8 बजे के बीच लगी थी। आग की लौ इतनी प्रचंड थी कि देखते ही देखते 13 घर जलकर पूरी तरह राख हो गया। पंचायत के मुखिया, प्रतिनिधि, संजय मंडल, पूर्व सरपंच गफ्फार आलम, मोहम्मद इस्तकार आदि ने मामले की सूचना प्रशासनिक पदाधिकारी को देकर पीड़ित परिवारों के बीच तत्काल राहत मुआवजा कार्य चलाने की मांग की है। बोले संपूर्ण वैश्य महासभा के प्रदेश संरक्षक सुरेश भगत, बनिया एवं भूमियार से सार्वजनिक माफी मांगे विधायक। संपूर्ण वैश्य महासभा के प्रदेश संरक्षक सुरेश भगत ने गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल के द्वारा बनिया एवं भूमिहार समाज पर की गई गलत भाषा के प्रयोग पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सार्वजनिक माफी मांगने की मांग की, अन्यथा संपूर्ण वैश्य महासभा विधायक के खिलाफ आंदोलन के लिए मजबूर होगी। जिस जाति के बल पर गोपाल मंडल बार बार विधायक बनते हैं उसी जाति को गाली देने का भी काम करते हैं। बनिया अगर हाथ में डंडी उठाना जानता है तो राइफल भी चलाना जानती है। उन्होंने कहा कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर पूरे विधानसभा के अंदर किसी भी बनिया एवं भूमिहार समाज को छूने का काम किया गया तो सुरेश भगत पहला आदमी होगा जो किसी से भी लोहा लेने के लिए किसी वक्त तैयार है, चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो। अन्याय के खिलाफ मेरी लड़ाई जारी रहेगी। विधायक के गलत बयानबाजी के कारण अगर क्षेत्र में जातीय उन्माद फैलती है तो इसका पूर्ण जिम्मेवारी गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल की होगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री एवं क्षेत्रीय पुलिस प्रशासन से मांग की है कि ऐसे विधायक पर कानूनी कार्रवाई की जाए। तिनटेंगा करारी में विधायक गोपाल मंडल का फूका पुतला। वरीय भाजपा नेता, पूर्व सांसद, तिनटेंगा करारी निवासी अनिल यादव को स्थानीय जदयू विधायक नरेंद्र कुमार नीरज और गोपाल मंडल के द्वारा अमर्यादित टिप्पणी किए जाने के खिलाफ तिनटेंगा करारी गांव में आक्रोशित ग्रामीणों ने तिनटेंगा करारी गांव में विधायक का पुतला फूका। मौके पर विपिन यादव, गोपाल यादव, राकेश यादव सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणों की मौजूदगी देखी गई। नवगछिया, 200 रुपए लेकर पुलिस पदाधिकारी ने दिया सिर्फ 50 की रसीद। खगड़िया जिले के परबत्ता थाना क्षेत्र के कुलहड़िया निवासी नकीर आलम ने इस्माइलपुर थाने में प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी अनिल यादव पर वाहन और मास जांच के नाम पर 200 रुपए लेकर सिर्फ 50 रुपए की रसीद देने का आरोप लगाते हुए मामले की शिकायत नवगछिया के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी से की है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दिलीप कुमार ने मामले की जांच कर उचित कार्रवाई करने की बात कही है। नकीर का कहना है कि वे पूर्वी भिट्ठा में अपने संबंधी के यहाँ आए थे। चांदनी चौक के पास पुलिस पदाधिकारी उसके साथ उपरोक्त आपत्तिजनक व्यवहार किया है। अब एक फोन घुमाओ, घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें बाजार मूल्य पर खुलकर खरीददारी, पाएं होम डिलीवरी। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप के सीधे व्हाट्सएप से करें संपर्क, सामान का लिस्ट या फोटो खींचकर भेजें, कराएं बुकिंग। संपर्क करें 8340371787 7325052437। नवगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहां शादी विवाह मनाने का है संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन, नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध है एसी ननेसी कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, डीजे फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन।
जीरो माइल नौगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817 7992499821। कोमल होटल स्टेशन चौक नवगछिया, नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था, मीट मुर्गा मछली अंडा सहित सादा भोजन रोटी चावल पनीर तड़का दही कोल्ड ड्रिंक ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। सुंदरम अहुना मटन, बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉन वेज टेस्ट, अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में। हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन नवगछिया, स्टेशन चौक राजेंद्र कॉलोनी मोड़ नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारें। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। अब आपके शहर नवगछिया में कान्हा स्वीट्स एवं रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ स्वादिष्ट मिठाई जैसे काजू पान, काजू फ्रूट, काजू कतली, मोती पाक के अलावे एक से बढ़कर एक लजीज मिठाइयाँ उपलब्ध है। शुगर फ्री मिठाई के लिए संपर्क जरूर करें। साथ ही पनीर डोसा पनीर पिज्जा के लिए जरूर पधारें। कान्हा स्वीट्स, प्रोफेसर कॉलोनी नवगछिया। संपर्क करें 9060127642 9308708313। गुहान गुहान गुहान, नवगछिया में पहली बार आधुनिक तकनीक से बना एक खूबसूरत कॉफी शॉप एवं रेस्टोरेंट गुहान, गौशाला रोड पोखर के सामने नवगछिया। वेज एवं नॉन वेज दोनों उपलब्ध है। ग्रैंड ओपनिंग 1 जनवरी 2021 से आपकी सेवा में। आइए, आपका स्वागत है। खुल गया आवासीय स्कूल ऑफ एक्सलेंस, फुलडोभी गेराबाड़ी कटिहार, नियर वासंते नवरात्र मंदिर राजपूत मंदिर। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित 25 दिसंबर से नामांकन प्रारंभ है। कक्षा प्री नर्सरी से 8वीं तक रहने खाने पढ़ने सहित कंप्यूटर एवं अंग्रेजी स्पोकन की विशेष व्यवस्था। संपर्क करें रणवीर कुमार झा 8051550121, AK झा 9472833513।